हेलो गाइस, जय श्री राम। तो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रानी ठाकुर ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए, और अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं लालबाग। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये सब लाइन लगती है, लेकिन अभी आज खाली है, तो अभी हम लोग जाएंगे आगे। तो क्या पता कितने लंबी तक लाइन रहेगी। तो हम लोग पहले दिन यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे, तभी लो परेल तक लाइन था, लेकिन आज तो अभी खाली दिख रहा है हम लोगों को, जाते हैं कहाँ तक खाली है। तो अगले साल 2023 में आए, तभी ये लोढ़ा बिल्डिंग है, इधर से हम लोग यहाँ पे से लाइन में लगे थे, तभी हम लोगों को 12 घंटा के ऊपर लग गया था। अगले साल आए तभी हम लोगों को बहुत सारा भीड़ मिला था, इस बार हम लोग छठे दिन पे आए तो अभी हम लोगों को पूरा खाली मिला यहाँ पे आगे तक। तो अगली बार हम लोग उधर लोढ़ा से भी आगे लो परेल तक लाइन था, इस बार अभी कुछ लाइन वगैरह नहीं है, पूरा खाली खाली लग रहा है। आज तो हमारे मजे ही मजे है, पूरी लाइन खाली है। हम लोग डायरेक्ट पहुंच चुके हैं इधर थ्री लाइन वाली सीढ़ी तक। गणपति बापा मोरिया। तो अभी हुआ है 9:52, और हम लोग लाइन पे लग चुके हैं। दस बज के 26 मिनट हुए, और अभी तक हम लोग वहां पे ही खड़े हैं, जहाँ से आगे से ही थोड़ा वहां से ही लाइन खड़ी हुई थी। अभी हम लोगों को यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है, अभी तक अभी हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पे लाइन में खड़े हैं, अभी तक हमारी लाइन थोड़ी भी हिली नहीं है यहाँ से। यहाँ पे फ्रूटी भी सब लोगों को पिला रहे हैं लाइन में खड़े उन लोगों को। अभी यहाँ पे 1, 2 और 3 लाइन है, और यहाँ से ही अंदर जाने का, सामने से ही वाइट पर्दे के पीछे से ही। यहाँ से सीढ़ी से ऊपर चढ़ने का है, लेकिन अभी यहाँ पे ये पूरी लाइन यहाँ से आएगी। आधे घंटे से लाइन रुक गई है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा लूडो खेल रहे हैं सब लोग मिलके। एक बज के 10 मिनट हो चुके, और अभी तक हम लोग वहाँ पे लाइन में ही खड़े हैं। अभी हम लोग 4 घंटा यहाँ पे लाइन में खड़े थे, जो ये पीछे वाली लाइन थी। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं यहाँ से आगे, जो यहाँ पे ब्रिज टाइप में सीढ़ी बना हुआ है, वो सीढ़ी चढ़ के उधर आगे जाएंगे, उधर भी अभी बहुत लंबी लाइन है। तो अभी बजे 2:05, और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं ये ब्रिज पे। सामने वाली लाइन में जाने का, अभी इधर से उधर बाहर जाएंगे नीचे, वहाँ पे भी नीचे पूरा रैली बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे ये एंड वाली लाइन है। अभी भी हम लोगों को लगभग 4 घंटा लग जाएगा दर्शन होते हुए। तो यहाँ पे ये पूरी लंबी रैली पूरी की पूरी क्रॉस करके यहाँ पे जाने का है, ये जो लाइन जा रही है उधर, कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे ये। तो अभी भी हम लोगों को 4-5 घंटा लग ही जाएगा गणपति बापा तक पहुँचने के लिए, लाल बच्चा राजा। यहाँ पे ये बहुत सारी रैली बनी हुई है, कम से कम 20-25 जितनी रहेगी, वो भी अभी पूरी यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम घूम के क्रॉस करने गए। तो यहाँ पे ये सब रैली अभी खाली है। तो अभी आज हम लोगों को बहुत कम टाइम लगा, अगले साल 2023 में आए थे तब यहाँ पे आते हुए भी हमको 7 से 8 घंटा लग चुका था। तो यहाँ पे ये रैली बहुत सारी अलग अलग है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर वॉशरूम। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए सब चाय पत्ती वगैरह दे रहे हैं पतंजलि की। हम लोग लेके गए थे साथ में लेस, तो वेफर खा रहे, भूख लगा था, 2 बज चुका है अभी तो। बाहर के रोड पे भी कितना क्राउड है, और अभी हम लोगों ने यहाँ से प्रसादी वगैरह ले लिया। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, आधे घंटे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे।
4:42 हो चुका है और अभी हम लोगों को यहाँ पे 7 घंटा लग चुका है, फिर भी अभी हम लोग पहुँचने वाले आधे घंटे 1 घंटे तक पहुँच जाएंगे दर्शन करने के लिए लाल बागचा राजा का मूर्ति का चरण दर्शन। लाल बागचा राजा का दर्शन करके हम लोग चिंतामणि भी पहुंच चुके, जो चिंचपोकली के राजा है चिंतामणि। तो गाइस फाइनली आपके भाई ने लाल बागचा राजा का दर्शन कर लिया है और आप सभी लोगों को भी दर्शन करवाया है मैंने। तो अभी यहाँ पे ब्लॉग का करते हैं एंड, अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस पे। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, और चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में लाल बागचा राजा का नाम लिखना ना भूले। चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।